वन वर्ड Substitution आज का यह वीडियो वन वर्ड सब पर आधारित है जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सबस्टिट्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये सारे ऐसे वन वर्ड सब्सिट्यूशन हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है और ये रिपीट होते रहते हैं वैसे विद्यार्थी जो सी आई एस एफ सी पी ओ रेलवेज एस एस सी आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आइए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम डैट इज नोन एज पोली गेमिंग बहुपत्नित्व एक ही साथ एक से अधिक पत्नी रखने का जो अभ्यास है या प्रथा है उसको बोलते हैं पोली गेमिंग पी ओ एल वाई जी ए एम वाई नेक्स्ट वन इज ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एमनेस्टी एम एन ई एस टी वाई अपराध क्षमा अपराध को माफ़ कर देना जनरल पार्डन पार्डन मतलब होता है माफ़ कर देना ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स राजनीतिक कैदियों को माफ़ी दे देना अपराध क्षमा कर देना डेट इज नोन एज एमनेस्टी नेक्स्ट वन इज फाउंड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट मेहमानों के प्रति मित्रवत और उदार जो मेहमानों के प्रति मित्रवत है और उदार है तथा जो आतिथ्यकारी है उसे हम कहते हैं हॉस्पिटेबल found फाउंड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट इसके लिए एक बड़ा आएगा हॉस्पिटेबल ए इसका स्पेलिंग भी आप याद करते चलिए क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए भी आपके एग्जाम में पांच क्वेश्चन आते हैं जहां आपको यह काफ़ी मदद करेगा नेक्स्ट वन इज वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक कभी भी मदरापान नहीं करने वाला व्यक्ति जो कभी मदरापान नहीं करता है उसे कहते हैं टी टोटेलर टी डबल ई टी ओ टी ए डबल एल ई आर टी टोटेलर वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक कभी भी मदरापान नहीं करने वाला व्यक्ति नेक्स्ट वन इज वन हु वॉक्स ऑन फुट जो अपने पैर पर चलता हो वह व्यक्ति जो सड़क पर पैदल चल रहा हो उसे बोलते हैं पेडिस्ट्रियन पी ई डी ई एस टी आर आई ए एन पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री पैदल चलने वाला व्यक्ति टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ अपना ही जिंदगी को समाप्त कर देना सुसाइड एस यू सी आई डी ई सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ ए किंग राजा की हत्या राजहत्या या राजहंता हंता भी हत्या हुआ तो राज हत्या या राज इसके लिए एक शब्द है रेजिसाइड आर ई -E जी आई सी आई डी ई -E. रेजिसाइड रेजिसाइड हो गया मर्डर ऑफ ए किंग नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न इन फैंट न्यू बॉर्न इन फैंट का मर्डर क्या कहलाता है हिंदी में शिशु हत्या और इंग्लिश में उसको कहते हैं इन फैंटीसाइड इन फैंटी साइड आई एन एफ ए एन टी आई सी आई डी ई इन फैंटी साइड नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ वंस ऑन फादर मदर ब्रदर फादर का मर्डर अपने अपने फादर का मदर करना कहलाता है पैट्री साइड मर्डर ऑफ मदर मर्डर ऑफ वंस ऑन मदर मैट्री और मर्डर ऑफ वंस ऑन ब्रदर एक रहता है फ्रेटरी साइड यहाँ तीन हो गया मर्डर ऑफ वंस ऑन फादर मैट्री साइड मदर ऑफ वंस ऑन मदर मैट्री शाइड एंड मर्डर ऑफ वन ऑनस ब्रदर यू नोन एज फ्रेटरी साइड तीनों याद कर लीजिए नेक्स्ट वन इज द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग मानव हत्या मानव को हत्या करना एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की गैर कानूनी हत्या कहलाता है होमीसाइड एच ओ एम आई सी आई डी ई साइड द किलिंग ऑफ ह्यूमन इसी पर आधारित है जान लीजिए फ्रेटरी साइड फ्रेटरी साइड हुआ द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर मैट्री साइड यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है नहीं ठीक है द किलिंग्स ऑफ वंस हस्पेंड ये कहलाता है मैरिटी साइड मैरिटी साइड एम ए आर आई टी आई सी आई डी मैरिटी साइड नेपो नेपोटी साइड नेपोटी साइड होता है द किलिंग ऑफ वंस नेप्यू नेप्यू की हत्या कहलाता है नेपोटी साइड पैट्री साइड द किलिंग ऑफ वंस फादर और किलिंग ऑफ वंस मदर मैटरी साइड चलिए नेक्स्ट है ए चाइल्ड बॉर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज इट्स ऑथर पिता के मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा या लेखक के मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ पुस्तक कहलाता है पोस्टू मस पी ओ एस टी एच यू एम ओ यूएस पोस्टू मस मरणोप्रांत तो मरणोप्रांत जो जिसका प्रांत होता है जैसे अगर बुक ऑथर के मरने के बाद पब्लिश हुआ तो पोस्ट टू मरणोपरांत हुआ और डेथ ऑफ फादर का बच्चे का चाइल्ड हुआ तो कहलाएगा पोस्ट नेक्स्ट वन इज फॉरविडेन फॉरविडन या प्रोविटेड बाय लॉ जो कानून के द्वारा प्रोविट कर दिया गया है दैट इज नॉन एज इलिसिट आई डबल एल आई सी आई टी इलिसिट अवैध नेक्स्ट वन इज ए मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दो जॉब है उमैन ऐसा व्यक्ति ऐसा आदमी जिसका व्यवहार जो है वह औरत की तरह है औरत से ज़्यादा मिलता जुलता है वह औरतों से ज़्यादा समानता रखता है वैसे व्यवहार वाले को बोलते हैं इफेमिनेट इफेमिनेट ई डबल एफ ई एम आई ए नी इफेमिनेट अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो हिंदी में बोलेंगे अस्तरेन स्त्री की तरह व्यवहार अस्तरेन ए मैन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दो जॉब है उमैन नेक्स्ट वन इज ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन पॉइजन के इफेक्ट को जो खत्म करता है उस मेडिसिन को बोलते हैं एंटी डॉट ए एन टी आई डी ओ टी ई विषहर औषधि जो विष का हरण करता है जो विष को समाप्त करता है डेट इज एंटी थॉट ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन नेक्स्ट वन इज ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन बिना तैयारी के तैयार किया गया स्पीच बिना तैयारी के एक्स टैम पर ई एक्स टी ई एम पी ओ आर ई एक्स टैम ई एक्स टी ई एम पी ओ आर ई बिना तैयारी के ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप इसका अभ्यास करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना भी ना भूलें ताकि जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे बहुत बहुत धन्यवाद